मैंने कभी तुम्हें किराया भाड़ा देने में लेट किया क्या? कभी कोई पड़ोसी से पंगा किया क्या? कभी कोई चिल्लम चिल्ली किया क्या? नहीं ना। तो फिर तो ये पड़ोसी शुक्ला होता कौन है तुमसे मेरी शिकायत करने वाला? हाँ हाँ, तो उन्होंने उसको छेड़ा, उसकी पत्नी को छेड़ा। दोस्त लोग हैं मेरे, आएंगे मुझसे मिलने के लिए। उसमें उसको क्या दिक्कत हो रही है? इतनी परेशानी है तो बोलो कमरा खाली करने को। हाँ ठीक है, मैं शाम को आके मिलता हूँ तुमसे, फिर बात करता हूँ। ठीक है भाई, ओके। अंदर चले? क्यों राजा, यहाँ क्या दिक्कत है? अंदर चले। ठीक है चल। नन्ना नन्ना ना 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 ना, आई ला, क्या कमरा है रे, मस्त एकदम सेक्सी, क्या बेड है तेरा, ये घर तो काफी महंगा होगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी पेमेंट से मतलब है। नाम क्या है तेरा? आरव। आरव, बड़ा सेक्सी नाम है रे। वैसे अमीरों के नाम भी बड़े अमीरों वाले होते हैं, आरव, नीरव, मानव, कबीर। वैसे कबीर ना मेरा पुराना कस्टमर था। पानी पियोगे? क्या राजा, तूने मुझे इतनी दूर आज पानी पीने के लिए बुलाया है? अब पानी की प्यास तो सिर्फ पानी बुझा सकता है। मैं लेकर आता हूँ। मोटी पाड़ी लगता है। पानी और दूं? मेरी पेमेंट? पेमेंट काम की बात दूं? साला बड़ा सयाना है तू, पता था मुझे। बैठना, करता क्या है तू वैसे? जॉब करता हूँ एक कंपनी में। मुझे लगा बिजनेस करता होगा रे। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ज्वेलरी का। लेकिन मुझे उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने MBA किया और जॉब ज्वाइन कर ली। तनख्वाह कितनी है तेरी? अरे नहीं बताना है मत बता। अब अपने कस्टमर के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, तो ऐसे ही पूछ लिया। अपने को तो पेमेंट से मतलब, सिंपल। 2.5 लाख। ज्वेलरी का बिजनेस, बेटा हर महीने 2.5 लाख कमा रहा है, फिर तो तेरा बाप दहेज भी ढेर सारा लेगा। मेरी शादी हो चुकी है लास्ट मंथ। क्या, तेरी शादी हो गई है और तू अपनी बीवी को छोड़कर मेरे साथ? Get lost. I said get lost. क्या हुआ राजा? इतनी इंसल्ट आज तक मेरी किसी ने नहीं की। अरे मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा रे, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ गई। किस बात पर हंसी आ रही है तुम्हें? इस बात पर हंसी आ रही है कि शादी के 1 महीने बाद मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ, उस चीज के लिए जो मैं अपनी वाइफ से नहीं ले सकता? मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ सेक्स के लिए नहीं बुलाया था,
बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बुलाया था। लेकिन तुम्हारी हंसी देखकर मुझे साफ लग रहा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। अरे राजा, तू तो रूठ गया रे। लेकिन मुझे ना रूठे हुए को मनाना अच्छे से आता है। तुझे पता है, जब कोई रूठ जाता है ना, तो उसके साथ प्रोग्राम करने में और मजा आता है। अब हंस दे, कोई जोक मारूंगा तब हंसेगा क्या? अरे बोला ना मैंने तेरे ऊपर नहीं हंसा मैं। मुझे तो हंसी बस इस बात पे आई कि ऊपर वाले ने कितनी अजीब दुनिया बनाई है। जिसको जो चाहिए होता है वो उसको मिलता नहीं है, और जो उसको मिलता है वो उसको चाहिए नहीं होता है। अब बिस्तर पर किसी को चाहिए हो रणवीर कपूर और मिल जाए उसको आलिया भट्ट, तो लोचा तो होगा ही ना। इधर देख, यही चाहिए था ना तुझे? कुछ बताओ तुम अपने बारे में। अभी 2 कस्टमर के पास और जाना है मुझे। टाइम क्या हो गया है? 4 बजे। 4 बज गए? अरे यार, धत। एक के पास 5 बजे जाना है, एक के पास 7 बजे जाना है। अब तू ये बता, तुझे इतने टाइम में मेरा इंटरव्यू लेना है या मेरे साथ प्रोग्राम करना है? दोनों। पता था मुझे, बोला था ना, बहुत सयाना है तू, यही जवाब होगा तेरा। देख राजा, मेरे बारे में मुझसे बहुत कम लोग पूछते हैं, और मैं उन सबको कम शब्दों में एक ही जवाब देता हूँ कि मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। बचपन यतीम खाने में बीता, माँ बाप का अता पता नहीं, चाइल्ड लेबर बनकर तब तक मेहनत मजदूरी किया जब तक ये नहीं समझ में आ गया कि मैं भी अपना खुद का काम कर सकता हूँ। फिर बिजनेस करने की सोची, रिश्तेदारों से उधार लिया, साला बिजनेस भी ठप पड़ गया, कर्जे में आ गया मैं। अब कर्जे में आने का दोष किसको दूं? किस्मत को दूं, दुनिया वालों को दूं, भगवान को दूं, किसको दूं? बस तभी से टेंशन लेना छोड़ दिया। तुझे पता है, 17 साल का था जब फैक्ट्री के मैनेजर ने मुझे दबोच लिया और बोला ओवर टाइम करना है। मुझे लगा होगा कोई काम, ओवर टाइम किया मैंने, काम हो गया ये वाला। तब से पता चला कि इस काम के लिए भी पैसे मिलते हैं। बस तब से शुरू कर दिया। ये सब छोड़, तू बता, तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, जब तुझे इन्हीं सब चीजों में इंटरेस्ट था तो शादी क्यों करी? दुनिया के डर से? यस, कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मेरी फैमिली की बहुत रेपुटेशन है, बहुत बड़ी फैमिली है ना मेरी, सोशली वो लोग ज्यादा कनेक्टेड है। जानता हूँ कि गवर्नमेंट ने 377 पास कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी सेम सेक्स मैरिज पे हियरिंग चल रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है हम जैसे लोगों को
जो अपनी फैमिली से बहुत डरते हैं। सेक्शन पास करने से कुछ नहीं होता, जरूरी है लोगों की सोच को बदलना, जो बहुत मुश्किल है। मेरा कॉल आ गया, एक मिनट। हाँ रजनीश भाई। क्या? अरे यार ये तुम्हारा डेली का लोचा। ठीक है मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। हाँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है देख राजा, अभी मुझे निकलना होगा, लोचा हो गया है। पर वो हमारी बात हुई थी। अरे तो क्यों परेशान हो रहा है, मैं तेरे को अपना एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, शाम को आओ उस एड्रेस पे, वहीं करेंगे अपना प्रोग्राम। एक बात और, पेमेंट नहीं दिया तूने अभी तक, तो शाम को पेमेंट लेता हुआ आइयो। हेलो अमित, क्या हम शाम को मिल सकते हैं? मैं एड्रेस भेजता हूँ। बिजी हो? ठीक है, वैसे मुझे भी कुछ शाम को काम था। नो प्रॉब्लम, हम कल मिल लेंगे।